सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी पृथ्वी तोमर और आज हमारे पास है अपना ओला स्कूटर और अपनी RTR 164V। तो अपन करने वाले इन दोनों की ड्रैग रेस, तो देखते हैं इन दोनों में से पिकअप में और एक छोटी रेस में कौन आगे निकलता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपन 3 राउंड करेंगे और 2 राउंड जो गाड़ी जीत गई तो वो विनर रहेगी और बाकी एक आध राउंड में राइडर एक्सचेंज करके भी कर लेंगे। तो बताइए अब कौन जीतेगी, कौन जीतेगी? हमें तो लग रहा है कि क्या श्री राम। तो हैप्पी रामनवमी और फिर चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला राउंड बता दर कौन जीतेगा। बताया तो मैंने कहा मेरी गाड़ी जीतेगी, तेरी गाड़ी। तो देखो इसको अपन ने लगा लिया स्पोर्ट्स मोड में, अभी आदर तू अपनी गाड़ी नॉर्मल मोड में लगा ले अर्बन पे। तो इसको अपन ने लगा लिया अर्बन मोड पे, तो अगर ये अर्बन में हार जाती है और ये जीतती है तो फिर इसको भी स्पोर्ट्स मोड में लगा लेंगे। चलो पहले राउंड के साथ स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 शुरू में इसमें लैग आता है, पर चलते हैं अगर थोड़ा और लंबा रहेगा ना, मतलब ऐसा कि 5-10 की स्पीड के बाद ये स्पीड पकड़ती है। 1 2 3 तो पहले 2 ही राउंड में ये हार चुकी है और मतलब ऐसा है कि पहले अगर इसको शुरू में जैसे एक्सलरेट करो ना तो ये मतलब थोड़ा सा लैग लेती है फिर भागती है थोड़ी देर बाद, तो ड्रैग रेस में तो ये नहीं जीतेगी। और उस गाड़ी में ऐसा कि आप एक्सेलरेट करके रखो और फिर क्लच छोड़ दो तो वो पहले आगे निकल जाती है। और ये अपना ओला S1, तो S1 प्रो इससे ज़्यादा भागता है तो उससे करके देखेंगे। पहले तो मेरे को लगा था S1 प्रो ही है पर ये S1 है। तो इसमें ये एक नॉर्मल मोड आता है और एक स्पोर्ट्स मोड आता है बस। तो अगर चलते हैं S1 प्रो है ना जो, उसमें हाइपर मोड भी आता है तो वो काफ़ी तेज़ भागती है हाइपर मोड में। मतलब बहुत सी वीडियोस में देखा भी है कि R15 को भी ऐसा टक्कर दी है और हराई है, अब उससे करके देखेंगे एक बार इसकी ड्रैग रेस।